कोरोना पई चलीगला अजित मंगराज जीवन पिपिली उपनिर्वाचन कांग्रेस पई प्रार्थी होइतिबा अजित का अकाल वियोग पर स्तब्ध हो जाइछि पिपिली। कोरोना कटकणा सत्वे केही मानु नहंती हाकु जेहा जे पुनरावृत्ति न हुए सेति पई सचेतन हेबाकु वार्ता बांटिछन्ति विभिन्न कार्यरत सांबादिक माने। कोविड कटकणा माने निज जीवन को सुरक्षित रखिबा सह अन्य मानक जीवन किभली सुरक्षित रहि पारिबो सेनि वार्ता बांटिछन्ति। कैंडल शोभायात्रा करि स्वर्गत अजित का प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछन्ति। पिपिली उपनिर्वाचन में गोटे मूल्यवान जीवन जाइए जे कि कांग्रेस प्रार्थी थे अजित मंगराज जहाँ सारा पिपिली एवं मर्मात हो पड़ी व्यस्तव्यस्त हो पड़ी ए साधारण जनता आरंभ कर सांबादिक पर्यटन समस्ते मियमाण हो पड़ती किभली आगामी दिन में जो निर्वाचन आसव आगामी दिन में लोक मैंने कोरोना महामारी कि रक्षा पाई से सांबादिक मैंने गोटे कैंडल शोभा सचेतन बार्ता बांटुंट कौन रही सचेतन बार्ता और कौन पर कार्यक्रम आयोजन करीधा सड़क सहित आलोचना करवा देखो निश्चिंत भाव में ये सचेतन बार्ता देव जो पिपिलीर जो उपनिर्वाचन प्रक्रिया चलता आ भितर आम मानक निश्चिंत भाव में गोटे दुखद घटना आसिक मिलला जो कोरोना महामारी आम जी थे कंग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज आम काबू भाई से आमको छाड़ी सबुदिन चलीगले जे ए घटना केवल प्रथम नुह आ पूर्वर जी विधायक थे प्रदीप महारथी तांकर मध्य से कोरोना रे मध्य मृत्यु होता तेणुक सारा राज्य पाई कि देश कथा कहतु कौन शिक्षा दू पिपिली की निश्चिंत भाव में एक बड़ झटका लगला तेणुक निश्चिंत भाव में आम यही बार्ता रही पिपिलीवासी की और समग्र राज्यवासी की आगामी दिन जो निर्वाचन हम से मुख्यतः जो करोनार कटकणा रही से निर्दिष्ट भाव में करोनार कटकणा मानि एवं सामाजिक दूरत अन्य जहाँ सब रही हम मुख्य कहना जदि आम न मानवा आगामी दिन जे करोनार केन्द्रबिंदु पिपिली पलटिबा के आड़े हेब ना से गोटे बार्ता निश्चित भाव में रो जो करोना पर सारा विश्व एवं लड़ुची से करोना दुई दुईटी वरिष्ठ नेता तथा मौड़मणि जदि आम कहीपर आम पिपिली अंचल शुभ दृष्टि से सब लोक मर सेवा करईज सुपुत्र गोटे सचेतना बार्ता आम निश्चित भाव में आम रखा जनसाधारण को ये करोनार जहाँ रोच गाइडलाइन प्रशासन जहाँ सब रोच नीति निर्देश आम मानवापी कह काबू भाई कथा जदि कह परोपकारी थे सबुबे लोकंर जनसेवाई निजर कर्तव्य को सी के पछात ना निज पर भूली लोकंर सेवा करती से भाई महान व्यक्ति विशेष एवं राजनीति क्षेत्र में एक आगधाड़ी आसुवा जड़े परम संगठक आम हरईचु जो निश्चित भाव में पिपिली एक अपूरणीय क्षति ही रही आम पर अमर आत्मा को सद्गति जगन्नाथ प्रभु पाखे आम प्रार्थना करूँ भी दुखित मो सांबादिक मान भाई भी दुखित डेलांग माटी भी दुखित ए सब दुख दर्दी दर्दी भितर भगवान आत्मार सगति करूँ आ पर सदगत दिखु आम जो साधारण चलुचे साधारण लोक प्रथम कहबी जेहतु महामारी कोरोना आसी कोरोना समय दुई दुई जन मूल्यवान जीवन आम हर सारीचे किभली भाव आम ये मूल्यवान जीवन न हर से निजे सचेतन हूँ सरकार जो गाइडलाइन रही निहाती मानि चलत जहाँ बर्तमान माहौल अच्छी एटी बर्तमान जो दुखद परेश समस्त अंगेलीभवे तेणु समस्त आम मानने अंचल वार्ता रोच मो तरफ आम सामाजिक मान तरफ जो समस्ते कोविड नियम को मानतु मास्क पिंधतु एवं सामाजिक दूरता रक्षा करतु वियोग आम समस्त दुखित आज आई श्रद्धाजलि आम दे राजनेता आगक आसतु श्रद्धाजलि दिंतु करूँ करोना कटक मानिक अंचल जेपरी करोना निवृत्त हम से ध्यान दिंतु कोविड कटकणा मध्य निर्वाचन परिचालन एवं एभली मूल्यवान जीवन आगू जपरी नजर से समस्ते ध्यान देवा सहित एति निर्वाचन कमिशन स्वतंत्र ध्यान देवे आम आशा करवा पूरी जिला पिपिलु देवाशीष सिंह लाइन न्यूज 18 ओडिया। अन्य खबर को आसवा इच्छा और आत्मविश्वास थे मनीष सफलता शीर्ष में पहुंची पार कर दिखाई मयूरभंज जिलार जन अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी चाकरी स्वेच्छाकृत अवसर नहीं चाष को अपणई पारिंट एक सफल चाषी एवं एमती कि फार्म हाउस पार्क को लोके आमोद प्रमोद भी आस तले बास्त देखाई मयूरभंज जिला बेतनटी ब्लक मुरकुंडिया गांव पुरुषोत्तम पंडा नना ना परिचित पुरुषोत्तम प्रथम 15 एकर जमीन में धान चाष कर सफलता पाई आपरे एक फार्म हाउस कले फार्म हाउस रही चारोटी बड़ पोखरी पोखरी में देशी विदेशी माछ चाष करने सहित बतक भी रखिंट
ସେହିପରି କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଠେକୁଆ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବି ନନାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଡାଳିମ୍ବ, ଲିଚୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ପରିବାର ପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହାସହ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ବେଶ ଭଲ ଆୟ ବି ହେଉଛି। ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଭେଟେରିନାରୀର ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ହର୍ଟିକଲଚର୍ର ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଫିସରିର ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସବୁ ସେକ୍ସନ୍କୁ ତାମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଜି ବାପା ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଠି ଯେ ପାର୍କଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କିସ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଠି ପାର୍କକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କଲେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବି ଖୁସି ହେଉଛି। ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବି ଦେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଆସିକି ବସିକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ନନାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହର୍ସ ରାଇଡିଂ, ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ବେଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ନିଆରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଏହାସହ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନର୍ଥ ସାଉଥ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ୱି, କାହିଁକି ଆମେ ହେଇପାରିବାନି। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା କମର୍ସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ମେସିନାରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଜ୍ ଏ ମଚ୍ ମୋର୍ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ଆଇଟମ୍। ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୌଜ ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଖାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଏଭଳିଆ କାମକୁ କରିବାକୁ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁ। ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ନନା। ଏହାପରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଇସିଙ୍ଗାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।